नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा से आम जन को दूर करने की योजना है। अंबेडकर नगर, छात्रों, नौजवानों और बुद्धिजीवियों के तमाम विरोध के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने के खिलाफ से आज भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के मित्र सेन ने कहा कि इस शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को घटाया जाएगा, जिससे देसी विदेशी पूंजी के लिए शिक्षा में निवेश कर मुनाफा कमाने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा में निजी निवेश से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की फीस में बेतहाशा वृद्धि होगी, जिसके चलते व्यापक मेहनतकश जनता के बेटे बेटियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। यह शिक्षा नीति फाउंडेशनल स्टेज यानी पहले 5 साल की पढ़ाई में अध्यापक की कोई जरूरत महसूस नहीं करती। इस काम को एनजीओ कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी और अन्य स्वयंसेवक अंजाम देंगे। वैसे भी यह नीति तथा कथित ढांचागत समायोजन की बात करती है, जिसका मतलब है कम संसाधनों में ज्यादा करो, यानी सरकार का अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। वैसे तो यह ड्राफ्ट 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को पाने की बात करता है, परंतु दूसरी तरफ कहता है कि जहां 50 से कम बच्चे हो वहां स्कूल को बंद कर देना चाहिए। आज स्कूलों को बढ़ाने की जरूरत है, किंतु यह नीति ठीक इसके उलट उपाय सुझा रही है। दिशा छात्र संगठन के विकास ने बताया कि नई शिक्षा नीति का मूल ड्राफ्ट शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% और केंद्रीय बजट का 10% खर्च करने की बात करता है, किंतु साथ में यह भी कहता है कि यदि टैक्स कम इकट्ठा हो तो इतना खर्च नहीं किया जा सकता। नौजवान भारत सभा के विंद्रेश ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उच्च शिक्षा के हालात तो और भी बुरे होने वाले हैं।